मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। गाय आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम सबको मुख खोल के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम, हाँ यीशु जी के चरणों में तुम। यीशु सबका स्वामी है तुम आनंद मनाओ, यीशु सबका, यीशु सबका स्वामी है तुम आनंद मनाओ, यीशु ओ यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। हाँ यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। गाइए यीशु जी के, फिर से गाओ यीशु जी के चरणों में तुम। क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो? हालेलुया, बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया, खोल के बोलना हालेलुया, यीशु के नाम की, बोलो प्रभु यीशु के नाम की, बोलो प्रभु यीशु के पवित्र नाम की, हालेलुया। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, जब आनंद मनाते तो ऐसे थोड़ी मनाते, आनंद मनाओ, है ना, रोक के थोड़ी आनंद मनाया जाता है, खुशी के साथ आनंद में चले खड़े हो जाते हैं, नहीं तो आपको ठंड लगेगी, खड़े हो जाते हैं, खड़े होके यीशु के चरणों में इस समय यीशु के मंदिर में आनंद मनाएंगे। तैयार हैं, तैयार हैं कि नहीं है? चलो सब तैयार हैं, इसलिए सब आनंद मनाएंगे। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। गाए आनंद मनाओ, हाँ यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम, यीशु सबका स्वामी है तुम आनंद मनाओ, यीशु, यीशु सबका स्वामी है तुम आनंद मनाओ, यीशु सबका, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। गाइए यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के हाथों को उठा के आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम, यीशु जीवन दाता है तुम आनंद मनाओ, यीशु जीवन, यीशु जीवन दाता है तुम आनंद मनाओ, यीशु जीवन, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम, यीशु चंगा करता है तुम आनंद मनाओ। गाइए यीशु चंगा, यीशु चंगा करता है तुम आनंद मनाओ, के चरणों में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु
जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ, गाओ हो। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। यीशु अपने हाथों को उठा के गाए, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम। एक साथ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, हाँ यीशु जी के चरणों में तुम। बोलो हालेलुया, मुख खोल के हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी भी कुछ लोग आनंदी मना रहे हैं, अभी भी कुछ लोग आनंदी मनाते हैं, चुपचाप खड़े हैं, एकदम चुपचाप खड़े। अच्छा अब एक दूसरे से बोलो आनंद मनाओ, जरा हाथ मिला के बोलिए आनंद मनाओ। बोलो ये आनंद का दिन होता है, ये संडे हमारे लिए वरदान है, आशीर्वाद है, प्रभु का कृपा है, प्रभु की 2-3 घंटे हम प्रभु के चरणों में बिताते हैं। कई लोग तरस रहे हैं अभी भी जाने के लिए, जाने का मौका नहीं है उनके पास, जाने का मौका नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रभु ने दिया। आनंद मनाओ, बोलो आनंद मनाओ, सब लोग बोलो आनंद मनाओ, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए, आंखें बंद कीजिए, अपनी सारी चिंताएं, परेशानियां, निराशाएं, दुख जो आप लेकर आए हैं पिता के हाथों में इस समय समर्पित कीजिए। सब कुछ पिता के हाथों में देना, आपका दुख है कहना प्रभु मेरे दुख तुझे देता हूं, आपकी बीमारी को आप लेकर आए पिता को दीजिए, आपकी चिंता को आप लेकर आए पिता को दीजिए, आपकी तंगी को आप लेकर आए पिता को दीजिए, आपके कर्ज को आप लेकर आए पिता को दीजिए, आपकी गरीबी को आप यहाँ पर लेके आए पिता को दीजिए, 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 समर्पित कर दीजिए। जितना समर्पित आप करेंगे उतना आप स्वतंत्र हो जाएंगे, जितनी आप स्वतंत्रता के साथ स्तुति करेंगे उतनी कृपा आपके जीवन में आएगी। स्वतंत्र हो जाओ, सब कुछ दे दो पिता को, आप पिता के घर पर आए, परमेश्वर के घर पर आए, जिस घर में आपको खुले हाथों मिलेगा, बस आप उसको दे दो, वापस में आशीष ले लो, अपने कर्ज को दे दो, वापस में आशीष ले लो, अपनी बीमारी को दे दो, वापस में चंगाई ले लो, आप दे दीजिए। आंखें बंद कीजिए, सब लोग समर्पित करें, जो भी परेशानी आप लेकर आए इसी समय समर्पित करो प्रभु यीशु के पवित्र और महान और सामर्थी नाम पर। पिता इन लोगों को ब्लेस कीजिए, आशीष दे, इसी समय स्वर्ग का द्वार इन लोगों के लिए खुल जाए, इन पर तेरे पवित्र आत्मा इसी समय अधिकार ले, यीशु के लहू से इन्हें धो दे, हर प्रकार का दुख, निराशा, परेशानी, तंगी, बीमारी, गरीबी, लाचारी, परेशानियों, यीशु के नाम से अभी इसी वक्त यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़ छोड़ कर इसी समय चली जाए, चली जाए, चली जाए, चली जाएं, चली जाएं, चली जाएं, यीशु मसीह के परम पावन नाम पर। इसी समय अब्बा पिता इनके जीवन में रोशनी तेरी फैले, इनके जीवन में पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए, इनके जीवन में पवित्र आत्मा इसी समय चिन्ह और चमत्कार करना शुरू करे, इनकी बीमारियों से, इनकी परेशानियों से इसी समय इन्हें आजाद करें, आजाद करें। अंधकार की शक्तियां, निराशा की आत्मा, दुख की आत्मा, हम तुम्हें आदेश देते हैं इस सभा को छोड़कर इसी समय चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, यीशु के लहू से प्रभु इन लोगों को धोइए। अधिकार लेते हैं अंधकार की सारी शक्तियों पर, परेशानियों पर अधिकार लेते हैं, हर अंधकार पर हम अधिकार लेते हैं और आदेश देते हैं इसी समय यीशु के नाम पर। इन सारे लोगों को छोड़ो, 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 यीशु के नाम पर इसी समय स्वतंत्र हो जाइए, खुलकर स्वतंत्र हो जाइए। हाथों को पूरा ऊपर उठाएं, मुंह खोल कर इस समय प्रभु की स्तुति करना, ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोल कर ऊंची आवाज में स्तुति करो, ऊंची आवाज में मुंह खोल कर स्तुति करना है, हालेलुया, 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 हालेलुया। तोड़ 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 यीशु इनके जीवन से आर बंधन तोड़ दीजिए, तेरे लहू से धोइए, 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 स्वतंत्र कीजिए, स्वतंत्र कीजिए, आजादी, आजादी, आजादी,
यीशु तेरे लहू में सामर्थ है, उसी लहू को इसी समय बहने दीजिए, बहने दीजिए। होने दे प्रभु इनके बीच में चिन्ह चमत्कार हो, होने दे इनका जीवन स्वतंत्र हो जाए, ऐसा करके ये प्रभु स्वतंत्रता के साथ तेरी स्तुति कर पाए। इनके कंठ को खोलिए, इनके मुंह को खोलिए, इनकी जुबान को खोलो, यीशु के नाम से हर बंधन खुल जाए, स्वतंत्र हो जाए। यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूँ, हर बंधन आपके बीच से इसी समय खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, मुंह खोल कर, मुंह खोल कर स्तुति करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चला बरा 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 बरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु तेरी महिमा करते हैं। आराधना, 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 आराधना। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। गाइए राजाओं का, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, प्रभु हमारे बीच में आ रहे हैं। राजाओं का राजा यीशु, शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। गाइए सिर झुकाइए, शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु, हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु, आत्मा देने वाला यीशु, हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु, खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाए। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। गाएं राजाओं का राजा यीशु, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। गाइए राजाओं का, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने, छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, जोरदार तालियों के साथ। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, जल्दी आने वाला यीशु, हालेलुया। जल्दी आने वाला यीशु, जल्दी आने वाला यीशु, हालेलुया। जल्दी आने, न्याय करने वाला यीशु, हालेलुया।
हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु, एक साथ मिलके राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया, बोलो राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया, बोलो राजाओं का हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया
टच 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 लॉर्ड, स्पर्श स्पर्श, इन लोगों को स्पर्श कीजिए अब्बा, स्पर्श कीजिए तेरे पवित्र आत्मा से, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, टच देम लॉर्ड, टच देम राइट नाउ इन जीसस नेम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, माइटी हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस, माइटी हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस, माइटी हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस, अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, फायर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थवान जीवित प्रभु की उपस्थिति में सबका स्वागत है। हाथों को जोड़े हैं, अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाएं। वचन कहता है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। इधर उधर न ताकें, अपना संपूर्ण मन, अपनी आंखें, अपना हृदय प्रभु से जोड़ने का कष्ट करें। प्रभु की ओर अपनी आंखों को उठाएं, प्रभु की ओर अपना मन, अपना परिवार, अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दें। प्रभु कहता है तुम में से कौन भरपूर आयु, भरपूर जीवन, लंबी आयु चाहता है, तो तुम मेरे पास चले आओ और अपने होंठों से बुराई के शब्द ना निकलने दो। तुम बुराई से दूर रहो, भलाई करते जाओ और प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। इस वक्त हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। प्रभु हम पर रूह का मसा करे, अभिषेक करे, रूह आ रूह आ। प्रभु की उपस्थिति में नतमस्तक हो, विचलित ना हो। प्रभु का आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है और हमें आशीष देता है। आज अनुग्रह पाने का दिन है, प्रभु की चंगाई पाने का दिन है, सारे बंधनों से छुटकारा पाने का दिन है। यह सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है, अपने वादे के मुताबिक वो हमारे बीच में उपस्थित है। उसका आत्मा आपकी एक एक व्यक्ति को स्पर्श करे, उसका लहू आपके शरीर आत्मा पर उड़ेल देता है। दोनों हाथों को छाती पर लगाएं और इस वक्त इस गीत को अपनी प्रार्थना बनाएं। मेरा घर है, घर को समर्पित, इस घर में आत्मा, मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, जी हाँ प्रभु, तड़पता हूँ मैं तेरे, तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा।
इस घर में आत्मा मेरा दिल तेरा घर है इस घर में आत्मा। दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखिए, प्रभु आपको मसा करें, आपको स्पर्श करें, आपकी बुद्धि आपका मन आपके विचार उसके पवित्र लहू से इस वक्त शुद्ध हो जाए। प्रभु का मसा आप लोगों पर उतरे, वो आपको स्पर्श करे, उसका दाहिना हाथ आपके शरीर के ऊपर इस वक्त महसूस करे, अपने परिवार के एक एक व्यक्ति के सिर के ऊपर प्रभु का हाथ जो इस वक्त रखा हुआ है महसूस करे, वो आपके घर के ऊपर इस वक्त विराजमान है, वो अपने वादे के मुताबिक आपके बीच में उपस्थित है, क्योंकि वो प्रतिज्ञाओं का धनी है। उसका वादा है, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। विश्वास करें, प्रभु कहता है क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो ईश्वर की महिमा देखेगी। भूखा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, ओ भूखा हूँ मैं तेरे लिए। अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं, भूखा तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे समर्पित करते हैं एक एक चीज को, अपनी नौकरी को, अपने बच्चों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो दफ्तरों में डॉक्यूमेंट्स, हर प्रकार की बीमारी को समर्पित करें। प्रभु को अधिकार दें, आपकी खेती बाड़ी, आपके ऑफिस, आपकी गाड़ी पर, उन लोगों पर जो आपके ऊपर जिनका अधिकार है, जितने भी आपकी कंपनियों में लोग काम करते हैं, आपके मैनेजर्स ऑफिसर्स, उनको समर्पित करते जाएं, देश के अधिकारियों को समर्पित करते जाएं, अपने घर, अपनी चौखट, अपने बर्तन, अपने बिछौनों को समर्पित करते जाएं, एक एक चीज को समर्पित करते जाएं। वो दयावान प्रभु आपको आज सारे बातों से जो उसके नाम के विरुद्ध और उसके खिलाफ है उनसे आजाद करें। निरर्थक जीवनचर्या के बंधन, बुरे विचार, बुरी आत्माएं, दुष्ट शक्तियां, हर प्रकार की बदकारी आपके शरीर आत्मा हृदय से प्रभु दूर करें, आपको ब्लेस करें, आपको मसा करें। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में सभी लोग तेरा घर है, इस घर में आत्मा, ओ मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा, आत्मा आ भी जा, आत्मा ओ
दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपकी दया पर भरोसा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ इस पावन रोटी के रूप में, इस पावन संस्कार के रूप में आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। मुझ पर अधिकार लीजिए, मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबके ऊपर अपनी दया प्रदर्शित कर, जितने लोग ऑनलाइन प्रार्थना में हैं, ऑनलाइन प्रार्थना उनके घरों को आशीषित कर, हालेलुया, जो यहाँ नहीं आ सके उन्हें भी आशीष प्रदान कर, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु का आदेश है कि मेरे बच्चों से बोल, मैं इन्हें आशीष देना चाहता हूँ। मेरी प्रजा से पुकार पुकार कर कहो कि मैं इन्हें, इनकी सारी बातों में इन्हें उन्नत करना चाहता हूँ। प्रभु आपसे आज अपने आशीर्वादों के विषय में बात करना चाहता है। दाहिना हाथ उठाकर मेरे साथ बोले, हे प्रभु यीशु, आपका वचन, आपका वचन आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार मेरे परिवार में, मेरे परिवार मेरे जीवन में, मेरे जीवन आत्मिक उन्नति प्रदान करे, आत्मिक उन्नति प्रदान करे। आपका वचन, आपका मेरे परिवार में, मेरे परिवार मेरे जीवन में, मेरे जीवन पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। बोल प्रभु, बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है, दास सुन रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बैठ जाइए। प्रियजनों, हम वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12। कि प्रभु ने इब्राहिम से कहा कि तुम अपना कुटुंब अपना देश छोड़कर तुम चले जाओ और तुम उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या बोलता है? तुम अपना कुटुंब छोड़ो, अपना देश छोड़ो और उस जगह पर जाओ जहां मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। बोले आमीन, आमीन। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा और जो तुम्हें श्राप देते हैं मैं उन्हें श्राप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था और लोट उसके साथ गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। तो प्रभु का वादा, प्रभु की प्रतिज्ञा वो आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। परंतु वो क्या कहता है कि तू अपना देश अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस जगह पर जाओ जिस देश में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, देश कुटुंब और अपना घर छोड़ने का प्रभु हमसे आज हमें निमंत्रित करता है कि हम अपने पुराने जीवन को छोड़कर हर प्रकार की वो बातें जो ईश्वर के वचन के विरुद्ध हैं, हमारे जीवन के विरुद्ध हैं, जो प्रभु की बातों के खिलाफ हैं, जो हमारी धार्मिकता को बढ़ने नहीं देती हैं, प्रभु कहता है उनको छोड़ो और जिस जगह पर मैं तुम्हें दिखा रहा हूं तुम वहां पर चले आओ। क्या आप छोड़ने को तैयार हैं? क्या आप पुरानी बातें छोड़ने को तैयार हैं या नहीं? जोर से बोलिए हां या नहीं। हाँ,
बोलिए हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन की पुरानी बातें छोड़ने को तैयार हूँ और आपके पीछे चलना चाहता हूँ आप जहाँ लेकर जाएंगे आप जो रास्ता दिखाएंगे मैं उस पर चलूंगा हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और इसके बदले में वो क्या कहता, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें महान बनाऊंगा, तुम्हारा नाम महान होगा, तुम्हारा घर बड़ा होगा, तुम्हारे कुटुंब को मैं आशीष दूंगा और पृथ्वी भर के वंश तुम्हारे द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। बोलो आमेन। आमेन। यानी कि परमेश्वर जब आपको मसा करता है, ब्लेस करता है, आशीष प्रदान करता है, और उस गांव में जहां पर आप रहते हैं अगर कोई आपको जानता है कि यह व्यक्ति मसीह है और यह प्रार्थना करने वाला है, तो लोग आपके पास आते हैं, बहन मेरे लिए प्रार्थना करना, भाई मेरे लिए प्रार्थना करना। क्या आप प्रार्थना करते हैं? हमें पता है कि मसीह लोग प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना सुनी जाती है, ये उनके शब्द होते हैं। और प्रभु कहता है मैं तुम्हारे द्वारा अन्य लोगों को क्या बनाऊंगा, क्या दूंगा, आशीष प्रदान करूंगा। तो जब आप गांव में, जब आप अपने शहर में, जब आप अपने घर में, जब आप अपनी कॉलोनी में इस तरह का आचरण करते हुए जीते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो परमेश्वर आपको उन्नत करता है, आपको महान बनाता है, आपके जीवन में पहले काम करता है, आशीष देता है, और आपके द्वारा दूसरों के जीवन में भी वो आशीष देता है। इस तरह से ये वचन वो आपके जीवन में पूरा करता है। और अब्राहम के विषय में भी ऐसा ही उसने कहा, उसने कहा कि तेरे द्वारा राष्ट्र क्या करेंगे, आशीष प्राप्त करेंगे। जब वो प्रभु के वचन को, हुक्म को मानेंगे, जानेंगे, पुरानी बातों को छोड़ेंगे, अन्य देवताओं की आराधना नहीं करेंगे, प्रभु का दिन पवित्र रखेंगे, माता पिता का आदर करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, इबादत में रहेंगे, पराए धन का लालच नहीं करेंगे, प्रभु का दिन पवित्र रखेंगे, तो वो तुम्हारे घर में आकर तुमको आशीष प्रदान करेगा। ये आज प्रभु आपसे बताना चाहता है। तो वो कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर कलीसियाओं से, विश्वासियों से क्या कहता है। आज जिसके कान हो वो सुन ले, प्रभु कहता है जो वचन मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, जो वचन मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं, वो निरे शब्द नहीं है, परंतु इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आमेन, आमेन। तो आशीर्वाद ग्रहण करना चाहते हैं, तो इब्राहिम के जैसे प्रभु का वचन सुन के पीछे चलना। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6, जो शब्द मैं आज तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें, तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। क्या लिखा है वचन में? यूं ही नहीं सिखाओ, अच्छी तरह से सिखाना, बेटा चोरी नहीं करना, बेटा पाप नहीं करना, बेटा प्रभु का दिन पवित्र रखना, बेटा उठना, वचन पढ़ो, प्रभु क्या कहता है, और तुम जीवन प्राप्त करोगे। अपनी जवानी में लापरवाह मत बनो, समय रहते प्रभु के पास लौट कर चले आओ। विधि विवरण ग्रंथ कहता, परमेश्वर कहता है ये बातें, ये वचन तुम अपने पुत्रों को और उनके बेटे बेटियों को, अर्थात नाती पोतों को, पुत्रों को भी और पौत्र पौत्रों को भी, उन्हें अच्छी तरह से सिखाना, अच्छी तरह से, यूं ही नहीं सिखा देना, अच्छी तरह से सिखाना। ये प्रभु आपको जिम्मेदारी दे रहा है, ये प्रभु आपसे बातें करना चाहता है, ये प्रभु आपको सिखा रहा है आज
कि यह शिक्षा तुम्हारे जीवन के लिए है, इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। आगे लिखता है, तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो, अपने घर की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब दोनों को देने की प्रतिज्ञा की है, जहां बड़े और भव्य नगर हैं जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहां के घर कीमती चीजों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहां पानी के कुंड हैं जिन्हें तुमने नहीं खोदा, जहां दाखबारियां और जैतून के पेड़ हैं जिन्हें तुमने नहीं लगाया। जब तुम वहां खाकर तृप्त हो जाओगे तो सावधान रहो, अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, जो तुम लोगों को मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ, आपकी दया और आशीर्वाद को कभी नहीं भुलाऊंगा। आमेन। तो प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु ने आपको एक सुंदर घर में रखा, आपके लिए उसने वो सारी चीजें मुहैया कराई, हो सकता जिसके लिए आपने मेहनत ना किया हो, आपने उन पेड़ों के फल खाए, हो सकता जिसे आपने नहीं लगाया, हो सकता है आप उस घर में रहते हो जिसे आपने नहीं बनवाया, जानते हैं। तो ऐसे समय में वचन हमें बताता है कि तुम अपने यहोवा परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर को मत भूलना। मतलब जब आप सुख में रहते हैं तो प्रभु की इबादत करना, धन्यवाद देना, धन्यवाद करना। अक्सर दुख में सब लोग नाम सिमरते हैं लेकिन सुख में क्या करते हैं, भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, कल करेंगे, कोई बात नहीं, परसों कर लेंगे, आज बड़ा जरूरी काम है, आज कपड़े धो लेते हैं, आज छुट्टी का दिन है, गिरजा नहीं जाएंगे, कल वचन सुन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु कहता है, जब तुम्हें इन सारी बातों के विषय में पता लग जाए और तुम्हें ये प्राप्त हो जाए, तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है, तुम अपने पिता ईश्वर को, स्वयं परमेश्वर जो तुम्हें चीजें मुहैया कराता है, उन्हें तुम मत बुलाओ और उसके मार्ग पर तुम चलते रहो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो ये पहली बात थी। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको आशीर्वाद मिले परिवार में, तो प्रभु का वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25 में बार बार दोहराते और पढ़ते हैं कि तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा, बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। अक्सर हम लोग सेवा तो करते हैं, प्रभु की नहीं करते हैं, ज्यादातर अपना ही काम करते हैं। तो निर्गमन ग्रंथ हमें स्पष्ट करता है कि तुम यदि अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तो वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीष देगा और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा, बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। अध्याय 23 पद संख्या 25। ना तो तुम्हारे देश में गर्भपात होगा और ना कोई बांज रहेगी, मैं तुम्हारी आयु के दिन बढ़ाऊंगा। देखिए कितना अच्छा वादा करता है प्रभु आशीष देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। निर्गमन ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु
का वचन कहता है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा ना तो तुम्हारे देश में गर्भपात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, मैं तुम्हारी आयु के दिन बढ़ाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु कहता है, आशीर्वाद चाहते हो तो ध्यान से सुनो, तुम मेरी सेवा करो, तुम्हारे देश में घर में गर्भपात ना हो, तुम संतान को ईश्वर का वरदान समझकर ग्रहण करो और तब देखो कोई निसंतान नहीं रहेगी, कोई बांझ नहीं रहेगी। जो परित्यक्ता कहलाती है, जो बांझ कहलाती है, 7 बार प्रसव करेगी। प्यारे भाइयों और बहनों, आशीर्वाद लेने का तरीका कि तुम सेवा करो, तुम्हारे घर में गर्भपात ना हो, तुम्हारी संतान उन्नति करेगी और ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। आगे लिखा है, मैं तुम्हारे आगे आगे बर्रे भेजूंगा। बर्रे, बर्रे समझते हैं, बरैया। जब तुम्हारा दुश्मन तुम पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा होगा तो कहता है प्रभु कि मैं तुम्हारे आगे आगे आतंक भेजूंगा और तुम्हारे दुश्मनों के मन में घबराहट पैदा करूंगा। मैं तुम्हारे सामने बरैया भेजूंगा जो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे पहुंचने तक पहले ही सर्वनाश करके उनको खत्म करेंगी। ये आशीर्वाद मिलेगा। वो कहता है, जो हिव्वियों कनानियों और हित्तियों को तुम्हारे सामने से भगा देंगे, जब तक तुम्हारी संख्या बहुत अधिक नहीं हो जाएगी और तुम भूमि के पूरे अधिकारी नहीं बन जाओगे, तब तक मैं उन्हें तुम्हारे सामने से धीरे धीरे भगाता रहूंगा, धीरे धीरे भगाता रहूंगा। जब तक तुम्हारी संख्या ना बढ़ जाए, जब तक पूरी भूमि तुम्हारे अधिकार में ना हो जाए, इब्राहिम से प्रतिज्ञा की वही प्रतिज्ञा मेरे और आपके जीवन में, आपके और मेरे परिवार में वो पूरी करेगा, क्योंकि उसका वचन जीवित है और जो जीवित है वो सदा बना रहता है। तो अगर उसने इब्राहिम के साथ किया तो वो आज मेरे और आपके साथ भी करेगा। तो इसलिए प्रभु का वचन, आज आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें इन बातों को बताता है कि तुम सेवा करो। सर्वप्रथम सेवा करो, प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ, डरते कांपते हुए उसकी इबादत करो और उसके सामने अपने सिर को झुकाओ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 22, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 22, यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु होऊंगा और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी। इंसान ना जाने किस प्रकार कोर्ट कचहरियों में अपने दुश्मनों का सामना करता है, घर में अपने लड़ाई झगड़े जो होते हैं, लोग तलवार लेके मारने के लिए आते हैं, आपको तोड़ने के लिए आते हैं। देखिए, हम वचन स्पष्ट है और हमसे बताता है, देखो यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु हूँ। तुझे लाठी चलाने की जरूरत नहीं, तुझे तलवार चलाने की जरूरत नहीं, तुझे गाली देने की भी जरूरत नहीं। तू मेरी बात तो मान और मुझ में विश्वास कर और देख, तेरे शत्रुओं का शत्रु मैं बनूंगा और जो तेरा विरोध करते हैं उनका विरोध मैं करूंगा। तुझे वहां पर जाने की जरूरत नहीं। नहीं, जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं, प्यारे भाई प्यारी बहन, आज विश्वास करना और प्रभु के सामने नतमस्तक होना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वचन वो आपके जीवन में प्रभु पूरा करेगा। कैसे आपका आपके विरोधी का विरोधी बनेगा? अगले वचन में लिखा है कि मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा, मैं तुम्हारे आगे बर्रे भेजूंगा, जो आपने अभी पढ़ा, मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन सदा पूरे होने वाले वचन है। उसका वचन कहता है
मैं कभी झूठा नहीं होना चाहता हूं। अपने नाम की शपथ, परमेश्वर ने अपने नाम की शपथ खाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई था नहीं, इसलिए। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 42 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 42 में हम पढ़ते हैं कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता हूं, ना किसी इंसान को और ना ही किसी मूर्ति को मैं अपनी महिमा प्रदान करता हूं। इसलिए वो अपने नाम की शपथ खाता है और वो कहता है कि मुझे अपने नाम की शपथ, मैंने जो प्रतिज्ञाएं तेरे साथ की हैं उसे मैं पूरा करूंगा। अध्याय 42 पद संख्या 8, मैं प्रभु यही मेरा नाम है, मैं ना तो दूसरों को अपनी महिमा दूंगा और ना मूर्तियों को अपना स्तुति गान। देखो पुरानी बातें पूरी हो चुकी हैं, अब नई बातों की घोषणा करता हूं, घटित होने के पूर्व मैं उन्हें सुनाता हूं। घटित होने से पूर्व परमेश्वर कह रहा है, वचन कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में इससे पहले कि यह बात आके, यह घटना घटे, मैं तुम्हें पहले से ही बताता हूं। कैसे? वो अपने दासों के द्वारा आपको पहले से ही चेताता है, वो अपने दासों के द्वारा पहले से ही अपने अनुयायियों को, विश्वासियों को आगाह करता है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहन, इसलिए वो अपने नाम की शपथ खाता है, अपने नाम की, क्योंकि वो अपना स्तुतिगान किसी मूर्ति या किसी इंसान को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो कहता है मेरा नाम प्रभु है, मेरा नाम प्रभु है। तो वचन हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, निर्गमन ग्रंथ में जब लोगों को ये वचन सुनाए जा रहे थे, इसराइलियों को जब ये वचन सुनाए जा रहे थे, तो 25 अध्याय पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि लोग मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए और मैं उनके बीच में निवास करूंगा, मैं उनके बीच में निवास करूंगा। आप चाहते हैं कि प्रभु आपके घर में रहे? आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में रहे? आप चाहते हैं कि प्रभु आपके परिवार में रहे? तो वचन हमें बताता है कि लोग मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, तब मैं आकर उनके बीच में रहूंगा, तब मैं आकर उनके बीच में रहूंगा। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 8, प्रभु का वचन कहता है, लोग मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए और मैं उनके बीच आकर निवास करूंगा। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरे घर में आइए और मेरे जीवन में मेरे परिवार में रह जाइए। तो उसने कहा, जो नमूना मैं तुमको दिखाऊंगा ठीक उसी के अनुसार निवास और उसके लिए अन्य सब सामग्री बनवाओ। अन्य सब सामग्री, देखिए प्रभु ने अपने रहने के लिए जिस मंजूषा के निर्माण के लिए उसने बताया, उसके लिए कौन सी सामग्री चाहिए वो भी उसने बताया। तो संत पौलुस इसको लिखता है और कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? कुरिन्थियों को लिखते हुए अध्याय 6 में हमसे बताता है, आपको उसने इतनी शिद्दत से बनाया, इतनी पवित्रता से बनाया, सुंदरता से बनाया, एक अच्छा पौधा उसने रोपा, जैसा वो चाहता था, जिस सामग्री को वो चाहता था उसने दिया। आपकी नाक कैसी होनी चाहिए, आपका आंख, आपका दिल, आपका हृदय, आपका शरीर कैसा होना चाहिए, नैन नक्श उसने आपको प्रदान किया। और संत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर उसका मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो प्रभु ने उस सुंदर शरीर को गढ़ा, लेकिन मनुष्य ने अपने आज्ञा के उल्लंघन के द्वारा उसे अपवित्र किया। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। तो प्रभु ईंट पत्थर
के घरों में निवास नहीं करता, परंतु जीते जागते मनुष्यों के हृदय में निवास करना चाहता है, जिसे उसने प्यार से बनाया, बड़ी सादगी से बनाया, बड़ी फुर्सत से उसने बनाया। 9 महीने तक जैसे एक कुम्हार मटके को शेप देता रहता है, मां के गर्भ में आपको और मुझे आकार देता रहा, आकार देता रहा। उंगली कितनी बड़ी होनी चाहिए, हाथ कितना लंबा होना चाहिए, प्यारे भाई और बहनों, ये उसका काम है, जो हमारी सोच के परे है, जो हमारी दृष्टि में अपूर्व है। संत पौलुस हमें बताता है कि ईश्वर की शांति जो मसीह के द्वारा हमें दी गई है, वो हमारी समझ के परे है। इस रहस्य को हम समझ नहीं सकते हैं। और प्रभु कह रहा है, तुम आशीर्वाद चाहते हो, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे घर में रहूं, तो अपने आप को पवित्र करो, अपना घर पवित्र करो, अपना मन पवित्र करो। मन चंगा कटौती में गंगा, बोलते हैं एक उदाहरण। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि विचार अच्छे हैं, यदि आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, और यदि हम पवित्र वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो प्रभु हमारे बीच में आकर निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रभु का वचन हमें बताता है, पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 3:9 में, पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 3:9 में हम पढ़ते हैं, आप बुराई के बदले बुराई न करें, गाली के बदले गाली नहीं दें, बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने के लिए बुलाए गए हैं, जिससे कि आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, आशीर्वाद प्राप्त करने का सीधा साधा उपाय, अपने मुख को बुराई मत बोलने दो, बुराई के बदले भलाई करो, गाली के बदले गाली मत दे दो, बल्कि आशीर्वाद दो। और कहता है, आप यही करने के लिए बुलाए गए हैं। आप जितने विश्वासी हैं इस वक्त वेदी के सामने उपस्थित हैं, आप क्या करने के लिए बुलाए गए? प्रभु कहता है कि आप इसलिए बुलाए गए कि आप पवित्र बने, पवित्रता की साधना करें, पवित्र मंदिर प्रभु की उपस्थिति के लिए बनाएं, अपने शरीर को पवित्र करें। मूसा के विषय में हम जब पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 3 में, कि जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, और जब उसे देखने के लिए नजदीक आया तो ईश्वर ने कहा, मूसा मूसा आगे मत बढ़ना, जूते उतार दो, जिस जगह पर तुम खड़े हो वो पवित्र है। वचन हमें बताता, पवित्र वस्त्र पहनकर उसके मंदिर में प्रवेश करो और वो तुमको आशीर्वाद प्रदान करेगा। ये वचन मेरे और आपके जीवन में पूरे हों। और वो कहता है कि मैं उनके बीच में आकर निवास करूंगा। प्रभु कहता है, आगे लिखा है, जो जीवन को प्यार करता और सुख शांति देखना चाहता है, वो ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। वो बुराई से दूर रहे और भलाई करे, शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे, क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे ताली बजाते हुए और उसकी स्तुति करेंगे, ताकि वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए, प्रभु की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी हो। इसे आत्मसात करें और यीशु को इस वचन के रूप में अपने साथ लेकर जाएं। कई लोग वचन सुनते हैं और चार दीवारी में छोड़कर जाते हैं, तो प्रभु को साथ लेकर जाना प्यारे भाई और बहनों। जिस तरह से जकेउस अपने घर में यीशु को साथ में लेके गया, मुक्ति आ गई, आज ये वचन आप घर में जाके बच्चों को सुनाना, अपने पति को सुनाना, अपने भाई और बहन को सुनाना, और यीशु आपको आशीषित करेगा और चंगाई प्रदान करेगा। आइए ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। यीशु 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 नाम में गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा, यीशु 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 नाम में गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा, यीशु 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 नाम में गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा, यीशु 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 नाम में गाऊंगा।
दाता यीशु मेरा जीवन दाता यीशु मेरा मुक्ति दाता यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा यीशु मेरा शांति दाता यीशु मेरा शक्ति दाता यीशु मेरा शांति दाता यीशु मेरा शक्ति दाता यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा तालियां बजा बजा के बजा बजा के मैं नाचूंगा तालियां बजा बजा के मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10 6 से हम पढ़ेंगे पद संख्या 6 से पढ़ेंगे मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 6 मैं प्रभु ईश्वर बदलता नहीं जान लीजिए आप लोग ध्यान से सुनिए मैं प्रभु ईश्वर बदलता नहीं इसलिए याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ सुन लीजिए प्रभु क्या कहता है कहता है मैं कभी नहीं बदलता इसलिए तू जिंदा है इसलिए तेरा सर्वनाश नहीं हुआ है इसलिए तू अभी तक भरपेट खाता है 2 जून की रोटी तुझे मिलती है और तेरे घर में सुख समृद्धि है क्यों क्योंकि मैं अपनी वादों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता हूं अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता हूं आगे सुनिए अपने पूर्वजों के समय से तुम मेरी विधियों की अवहेलना कर उनका पालन नहीं करते आए हो कहता है तुम अपने पूर्वजों के समय से बाप दादाओं के समय से ही तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं किया तुमने मेरे आदेशों को नहीं माना तुम अपने रास्ते चल दिए हो तुम मेरे रास्तों पर नहीं चले हो इसलिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है यशायाह नबी के ग्रंथ में लिखता तुम बहुत बोते हो लेकिन कम लुनते हो तुम गर्म कपड़े पहनते हो लेकिन शरीर गर्म नहीं होता है क्योंकि तुम अपने पूर्वजों के समय से ही मेरी बातों को और आदेशों को नहीं मानते आए हो यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में ये विपत्तियां हैं परंतु मैं तो वादों का सच्चा हूं और सुन लो कि प्रभु क्या कहता है मैं बदलता नहीं हूं इसी का यही कारण है कि तू सुरक्षित है यही कारण है कि तेरा विनाश नहीं हुआ है अब तुम मेरे पास लौटो तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगा यह विश्व मंडल के प्रभु की वाणी है तुम लोग पूछोगे आप लोग पूछोगे फादर जी हम कैसे लौटें प्रभु हम कैसे तेरे पास आए तो आगे कहता है क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है फिर भी तुम मुझे ठगते हो तुम पूछोगे हम किस तरह से तुम्हें ठगते हैं तो प्रभु कहता है तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हो बड़े बड़े वादे करते हो प्रभु से रोज वादा करते हो मन्नत करते हो लेकिन जब देने का समय आता है तो अपना हाथ पीछे खींच लेते हो और तुम जो वादा किया है वो पूरा नहीं करते हो 100 रुपए देने की बात करते हो तो 50 देते हो किसी बूढ़े की सेवा करने की बात करते हो तो नहीं अभी समय निकल गया अगले साल करेंगे
आप लोग पूछिए अपने आप से, आपने कितने प्रभु से वादे किए, इस साल हम मंदिर में ये जड़ेंगे, इस साल हम सेवा करने जाएंगे, इस साल हम अनाथ आश्रम में जाएंगे और इस समय दान करेंगे, हमें ये मिलेगा तो हम वो करेंगे, हमें वो मिलेगा तो हम ये करेंगे। प्रभु कहता है तुम मुझे ठगते हो। क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? परंतु तुम ऐसा करते हो। हां, तुम पर और तुम्हारे सारे राष्ट्र पर श्राप लगा हुआ है, क्योंकि जो ईश्वर का है तुम ईश्वर को नहीं देते हो। इसलिए जब कर देने की बात आई तो ईसा ने कहा पेत्रुस से कि जाओ समुद्र में बंसी डालो और जो पहली मछली हो उसको पकड़ लेना, उसका मुंह खोलना, उसमें से जो सिक्का निकलेगा वो लाकर कर चुका देना, ताकि हम इनके लिए बुरा उदाहरण ना बने। जब उसने सिक्का दिखाया उन लोगों को और पूछा इस पर किसकी तस्वीर है, तो उन्होंने कहा कैसर की। तो प्रभु येसु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। ईश्वर तो निरंतर देता रहता है, परंतु हम कंजूस हैं, हम अपने वादों से मुखर जाते हैं। प्रभु कहता है कि जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। परमेश्वर के नाम पर जितने भी लोग अंधे लाचार बेचारे इधर उधर शोषित वर्ग के पड़े हुए लोग अनाथ आश्रम में हैं उनकी सेवा करो, पद दलितों के साथ भोजन करो और उनकी सेवा करो। उनकी सेवा अर्थात प्रभु की सेवा है तो तुम्हें आशीष मिलेगी। कहता है तुम्हारे सारे राष्ट्र के ऊपर श्राप लगा हुआ है, क्योंकि तुम मुझे धोखा देते हो। तुम पूरा दशमांश और भेंटें भंडार के पास लाओ जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है इसमें मुझे परख कर देख लो, मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा। एक और प्रतिज्ञा कहता है तुम मुझे परख कर तो देखो। तुम चाहती हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी तिजोरी भर जाए, तुम चाहती हो अच्छी नौकरी मिल जाए, तुम चाहते हो अच्छा वर मिल जाए, अच्छी वधु मिल जाए, तुम चाहते हो अच्छी संतान मिल जाए, तो तुम अपनी भेंट और अपना दशमांश मेरे मंदिर में लाओ, ताकि मेरे मंदिर में उसकी शोभा में किसी प्रकार की कमी ना हो। और कहता देखो मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा, अपने बादलों को, वो तुम पर क्या करेंगे, आशीष की वर्षा करेंगे। इतना ही नहीं कहता है मैं टिड्डियों को आदेश दूंगा, मैं टिड्डियों को आदेश दूंगा कि वो तुम्हारी फसलों को नष्ट ना करें। इसलिए किसान लोग परेशान रहते हैं, हर तरीके का नया नया कीड़ा उनकी फसलों को चट कर जाता है, नई नई बीमारियां उनकी फसलों को बर्बाद कर देती हैं। हमारे शरीर में नए नए रोग, नई नई बीमारियां, असाध्य रोग। प्रभु कहता है मैं इन टिड्डियों को, नष्ट करने वाली चीजों को, बीमारियों को आदेश दूंगा कि वो तुम्हारा नुकसान न करें, वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करें, जिससे कि तुम्हारी दाखबारियों की दाखलताएं अच्छे फल देती रहे। अर्थात तुम्हारी दाखबारी अर्थात तुम्हारा अपना घर दो और तुम्हारे दो दंपति और उनके दो बच्चे और उनका आंगन वो दाखबारी है और उनकी संतान दाखबारियों के फल हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है देखो वे अच्छे फल देंगी और वह उन्नत होंगी। विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है सभी राष्ट्र तुमको धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश अर्थात तुम्हारा घर अर्थात तुम्हारा अपना घर वो ईश्वर की आशीष को प्राप्त करेगा। हम अक्सर ये वचन सुनते हैं देश के विषय में तो हम अपने घर को भूल जाते हैं। प्रभु ने दंपत्ति और उसके दो या तीन या चार बच्चे, वो उसका अपना देश है, अपनी उसकी अपनी छोटी घरेलू कलीसिया है, वो परमेश्वर का एक छोटा मंदिर है। इसलिए प्रभु कहता है इनसे कहो, इन लोगों से कि मेरे लिए एक पवित्र घर बनाए। तो अपने घर को पवित्र करना, दाम्पत्य जीवन को पवित्र करना, अपने विचारों को पवित्र करना, संतान को पवित्र करना, और प्रभु आपके घर में आके रहेगा, टिड्डियों को आदेश देगा अर्थात बीमारियों को आदेश देगा तुम्हारे ऊपर ना आए,
अन्न जल को आशीष देगा, आटा गूंदने की परात को आशीष देगा। ये मेरा नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, धर्मशास्त्र का कहना, प्रभु जो प्रतिज्ञाओं का धनी है वो ये आज वचन आपके जीवन में पूरा करे। प्यारे भाइयों और बहनों, स्त्रोत संख्या 115, स्त्रोत संख्या 115, साम नंबर 115 वर्स 14 एंड 15, 115:14-15 वाक्य। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये आशीर्वाद किसे मिलेगा? जो प्रभु के भक्त हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, जो पवित्रता की साधना करते हैं। हर व्यक्ति जो प्रभु प्रभु कहकर पुकारता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 8 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते उनमें से सब के सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। केवल वो प्रवेश करेगा जो पवित्रता की साधना करता है, और जो प्रभु श्रद्धालु भक्त ईश्वर पर श्रद्धा रखता है। आगे लिखा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु तुमको और तुम्हारी संतति को संपन्नता और उन्नति प्रदान करे। यीशु मसीह अपने दास के द्वारा इस वचन को आपसे कहना चाहता है कि वह स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, शाश्वत पिता, सर्वव्यापी ज्ञानी प्रभु, हृदयों की थाह लेने वाला परमेश्वर, हमारे हृदयों में निवास करने वाला परमेश्वर, वो आप में से सब लोगों को, चाहे छोटे हो या बड़े हो, जो श्रद्धालु भक्त हैं, सबके सब लोगों को संपन्नता और आपकी संतान को उन्नति प्रदान करे, उन्नति प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन 12 में हम पढ़ते हैं, 115 भजन संहिता 115 पद संख्या 12 कि प्रभु हमको याद करता है और वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह इज़राइल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। ये नाम क्यों लिए गए हैं प्यारे भाइयों और बहनों? क्योंकि ये हमारी धरोहर है, इनके विश्वास के ऊपर हमारा विश्वास बना हुआ है। इसलिए परमेश्वर बार बार इन लोगों की याद करके इनसे जो उसने शपथ पूर्वक वादे किए, प्रतिज्ञाएं की, आपको और मुझे, उन वादों को गिनाता है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का ईश्वर, वो इज़राइल को आशीष देगा, वो हारून को घराने को आशीष देगा, वो दाऊद के घराने को संपन्न करेगा, आशीष प्रदान करेगा। वो कहता है, यदि मैं मूसा के साथ रह सकता हूं तो तेरे साथ क्यों ना रहूंगा, तेरे साथ भी रहूंगा। हारून से कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। आइए अंगीकार करें, दोनों हाथों को जोड़ें इस वक्त और ये वचन स्वीकार करें, वचन अपने साथ में लेकर जाएं। प्रभु की प्रतिज्ञा आपके जीवन में इस वक्त पूरी हो रही। जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु यीशु का वचन आपके जीवन में ये पूरा हो जाए। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करें, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ के साथ था तेरे
हालेलुया हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जैसे तू मूसा के साथ रहा, जैसे तू मूसा के साथ, हारून के साथ रहा, हारून के साथ, अपने नबियों के साथ रहा, अपने नबियों के साथ, प्रेरितों के साथ रहा, प्रेरितों के साथ, मेरे साथ भी रह जाइए, मेरे साथ भी रह, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु, मेरे दफ्तर में, मेरे दफ्तर, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ, मेरी सेवकाई में, मेरी सेवकाई, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ, हालेलुया, मेरे दाम्पत्य जीवन में, मेरे दाम्पत्य, मेरे साथ रह जाइए, मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चों जो पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, नौकरी पर हैं, नौकरी पर बाहर आते जाते हैं, बाहर आते उनके साथ रह जाइए, उनके साथ रह जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। जाते जाते प्रभु कह रहा है, मेरे बच्चों से बोल, आप सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 18, तुम लोग मेरे ये शब्द हृदय और आत्मा में रख लो। तुम लोग मेरे ये शब्द अपने हृदय और आत्मा में रख लो, कहीं और नहीं। इसको छिपाकर कबर्ड में नहीं, इसको छिपाकर कहीं ऊपर शेल्फ के ऊपर नहीं। कहता है तुम लोग मेरे ये वचन अपनी आत्मा में और हृदय में रख लो, इन्हें निशानी के तौर पर अपने हाथ में और शिरोबंद की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो, इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाते रहो, और तुम चाहे घर में रहो या चाहे यात्रा करो, सोते जागते हर समय इनका मनन करते रहो, तुम इन्हें अपने घरों की चौखटों और फाटकों पर लिख दो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज के इन वचनों के लिए, आज के इन वचनों, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए, आज के दिन, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे के वचन यदि आप पढ़ेंगे तो प्रभु कहता है, यदि तुम इन सब आदेशों का सावधानी से पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं, प्रभु अपने ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्गों पर चलोगे, अनुगामी बने रहोगे, तो प्रभु उन सब राष्ट्रों को तुम्हारे सामने से भगा देगा। पद संख्या 25 में आप पढ़ेंगे, तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर सकेगा, तुम जिस भूमि पर अपने पांव रखोगे उस समस्त देश में प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे प्रति भय और आतंक उत्पन्न कर देगा। ये उसका आशीर्वाद है, ये साथ में लेके जाना। आज कहता उसके नाम पर तुम जिस जगह पर जिस देश में अपना पांव रखोगे प्रभु तुम्हारे द्वारा लोगों के बीच में आतंक पैदा कर देगा, भय पैदा कर देगा, जैसा कि इसराइलियों के ऊपर लोग अत्याचार करने से डरते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इनका यहोवा परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर इनकी ओर से लड़ता है, इसलिए वो उन पर जल्दी हाथ नहीं डालते थे। प्रभु ने कहा जिस धरती के ऊपर तू जहां जहां पैर रखेगा वो सब तेरे अधीन मैं कर दूंगा, ये उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। परंतु कहता है मेरा वचन अपनी आत्मा और हृदय में तू रख ले और मुझे ठगना नहीं, ठगना नहीं। मंदिर आते समय सबसे उत्तम भेंट जो आपने प्रभु के लिए निर्धारित की है, प्रभु की मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए, उसकी वेदी की शोभा बढ़ाने के लिए, सबसे उत्तम चीज जो आप देना चाहते हैं वो लेकर आना। दशमांश में मुझे नहीं ठगना, भेंट में मुझे नहीं ठगना, और देख मैं तेरे परिवार, तेरा छोटा सा देश, तेरा घर, तेरे बच्चे, सब चीज उन्नत करूंगा। टिड्डियों को, बीमारियों को आदेश दूंगा, तेरे घर के नजदीक ना आएंगी, तेरे बच्चों के नजदीक ना आएंगी। ये उसके वादे हैं। और कहता है मैं झूठा बनना नहीं चाहता हूं, मैं झूठा बनना नहीं चाहता हूं, मुझे अपने नाम की शपथ, मेरे मुख से हर एक निकला हुआ शब्द मैं उसे पूरा करता हूं। इसलिए यीशु ने कहा आसमान टल जाए, पृथ्वी टल जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु संहिता की एक मात्रा और एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। आइए हम खड़े हो जाएं। इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हमें आशीष प्रदान करें।
पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे, प्रभु से हम प्रार्थना करें, भेज दे अपनी आत्मा को हमारे ऊपर भेज दे, और उसके बाद छुटकारे की प्रार्थना में हम जाएंगे। आइए ताली बजाते हैं पूरे विश्वास के साथ।
प्रभु यीशु मसीह जिसको पिता ईश्वर ने महिमान्वित किया उदारता पूर्वक आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बोलो आमेन। हमारे ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे, बोले आमेन। प्रभु आपके जीवन से बीमारियों को दूर करे, आपको उन्नति प्रदान करे, आपके कामों में आपको आशीष प्रदान करे, आपको शांति और शक्ति प्रदान करे, असाध्य रोगों से आपको आजाद करे, आपको अपने अभिषेक से परिपूर्ण करे, आपको पवित्रताई का जीवन प्रदान करे, आप पवित्रताई की साधना करने वाले बन जाए। यीशु का आत्मा आपको शुद्ध करे, आपके परिवारों को उन्नति प्रदान करे, नवयुवक युवतियों और बच्चों को प्रभु आशीष दे, बच्चों को आशीष प्रदान करे, रोगियों को चंगाई प्रदान करे, असाध्य रोगों से आजाद करे, ड्रग्स के और नशे के शिकार लोगों को प्रभु आजाद करे, हर प्रकार के बंधन टूटे, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से निसंतान माता पिता को बच्चों का वरदान मिले, आपके घर को आशीष मिले, आपके घर के आटा गूंदने की परात को प्रभु आशीष दे, आपके खेत को प्रभु उन्नत करे, आपकी फसल बाड़ी को प्रभु आशीष प्रदान करे, आपके समाज और पड़ोसियों को प्रभु आशीष दे, आपके पुरोहितों को पासवानों को प्रभु ब्लेस करे, सभी प्रचारकों को प्रभु ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त सारे बंधन टूटे, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ले हैंड प्रेयर होगी इस वक्त, आप अपने बीच में जगह बनाएं थोड़ी थोड़ी ताकि बीच में आने के लिए आसानी हो, और इधर भाई हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु इस वक्त अपने दास के द्वारा अपना पवित्र हाथ आप पर रखते हुए अभिषिक्त हाथों को आप पर रखकर प्रभु आशीष प्रदान करें। भर दे मुझे आत्मा से, भर दे मुझे।
कर आंखें बंदे आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, ओ आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, बार बार ऊंची आवाज से आत्मा से भर दे मुझे, 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 ओ आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, मुझे भर दे यीशु, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, मुझे भर दे यीशु, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से जाइए, सब लोग मिलकर प्रार्थना करते जाइए। जहां जहां आपको इस समय परेशानी है, दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है, जिस जगह पर आपको तकलीफ है उस जगह पर अपना हाथ रख लीजिए। आपके लिए ऑफलाइन लेहन प्रेयर हो रही है, ऑनलाइन हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर, यीशु का सामर्थ इसी समय आपको छुए, इसी समय आपको छुए, इसी समय आपको छुए। यीशु का पवित्र और दाहिना हाथ इसी समय आपकी ओर बढ़े और आपको चंगा करे, इसी समय आपकी ओर बढ़े और आपको चंगा करे, लकवे से पीड़ित रोगियों को चंगा करे। यीशु के पवित्र और अति शक्तिशाली नाम पर जिन लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, उन दुष्ट आत्माओं को हम अधिकार लेते हैं और आदेश देते हैं, इसी समय इन सारे लोगों के जीवन को छोड़कर चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, यीशु के नाम पर। ऐ दुष्ट आत्माओं, हम तुम्हें आदेश देते हैं इसी समय यीशु के अति शक्तिशाली और पवित्र नाम पर इन सारे लोगों को छोड़कर चली जाओ। बीमारियों की आत्माओं, यीशु के नाम से हम तुम्हें आदेश देते हैं इसी समय इन लोगों को छोड़कर चली जाओ। बीमार करने वाली आत्माएं, भटकाने वाली आत्माएं, वासना में गिराने वाली आत्माएं, ईर्ष्या क्रोध लाने वाली आत्माएं, यीशु मसीह के परम पावन और शक्तिशाली नाम पर इसी समय इन सारे लोगों को छोड़कर, छोड़कर इनके परिवारों को छोड़कर चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इन लोगों पर, यीशु मसीह का अधिकार है, यीशु मसीह का अधिकार है। अपने दोनों हाथों को उठाओ, सब लोग अपने दोनों हाथों को उठाइए। इस समय स्तुति करना, इन आत्माओं को आदेश देकर अपने बीच से दूर करो। कहो यीशु के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा इसी समय मेरे जीवन और मेरे परिवार को छोड़कर चली जाए, चली जाए, चली जाए, चली जाए, यीशु के अति शक्तिशाली नाम पर इसी समय चली जाए, दूर हो जाए ये दुष्ट आत्माएं। इन सारे लोगों को छोड़ दो, क्रोध की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा, वासना की आत्मा, हम तुम्हें आदेश देते हैं इसी समय इन सारे लोगों को छोड़कर चली जाओ, चली जाओ। बेटूपन की आत्मा, बहरेपन की आत्मा, घूंगेपन की आत्मा, यीशु के नाम पर इसी समय इन लोगों को छोड़कर चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। जो लोग बोल नहीं पाते हैं, जो लोग सुन नहीं पाते हैं, बोलने घूंगे और बहरे की दुष्ट आत्माएं, इन सारे लोगों को छोड़कर चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हृदय के दर्द के रोगी, जिनके हृदय में तकलीफ है, छेद है हृदय में, गले में छेद है, नसें ब्लॉक है, रीढ़ की हड्डी की नस ब्लॉक है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, कोई समस्या है,
इस समय हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नाजरी के पवित्र नाम पर, इसी समय ऐसे सब रोगी ठीक होने पाए, दिल के छेद इसी समय बंद हो जाएं, हृदय के रोगी ठीक हो जाएं, हालेलुया 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 हालेलुया, हर्निया के रोगी ठीक हो जाएं, टीबी पी लिया, शुगर के रोगी इसी समय यीशु के नाम पर चंगाई पाए, हालेलुया हालेलुया, जिनके शरीर में गांठे हैं यीशु के नाम से वो गांठे गल जाएं, आपके शरीर में जहां जहां गांठे हैं यीशु के नाम से वो गांठे गल जाएं, रसौलियां गल जाएं, गर्भाशय खुल जाए, निसंतान बहनों को संतान का वरदान मिले, बांझपन के आत्मा यीशु के नाम से बांझपन का बंधन आपके जीवन से मैं तोड़ देता हूँ, हालेलुया 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 हालेलुया, बांझपन का बंधन टूटे, नशे का बंधन टूटे यीशु के नाम से, जो नशा करते हैं भाई बहन यीशु के नाम से इनके जीवन से नशा करने वाली आत्मा इसी समय इन्हें छोड़कर चली जाओ, यीशु का अधिकार होने दीजिए, लबा सबांदा बाबा शेखिंद लबा हरा बरा 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 शारा ले 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 ले, तोड़ यीशु नशे के बंधन यीशु के नाम से, जिनके परिवारों में नशे की करने की आदत है, नशा है, अत्यधिक नशा, लड़ाई झगड़ा है, यीशु के नाम से ऐसे परिवारों को स्वतंत्र कर देते हैं, यीशु के नाम से इन सारी दुष्ट आत्माओं को हम निकालते हैं, हालेलुया हालेलुया, दोनों हाथों को उठाइए, ऊंची आवाज में स्तुति करते जाइए, हालेलुया 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 हालेलुया, shala bara 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 bara, shala bara 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 bara, yesu ke lahu se dhul jao, yesu ke lahu mein, hallelujah, yesu ke lahu mein nahaye, yesu ke lahu mein nahaye, यीशु के लहू से नहाए, वो शुद्ध करता हमें, इधर उधर नहीं देखेंगे, आंखें बंद रखें, प्रार्थना करते जाओ, यीशु के लहू में नहाए, 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 वो शुद्ध करता हमें, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, वो शुद्ध करता हमें, अपनी बीमारी की जगह पर यीशु का लहू लगाइए, जहां जहां आपको तकलीफ है, सिर दर्द है, गांठे हैं, रसौलियां हैं, पत्थरियां हैं, या चर्म रोग है, किसी भी प्रकार का बाहरी रोग है, फोड़े हैं, फुंसियां हैं, पिंपल्स हैं, आंखों में दर्द, जलन, कानों में दर्द, जलन, यीशु के नाम से अगर आपके घर में कोई बीमार है, उस पर यीशु का लहू विश्वास के साथ विलेपित कर दीजिए, इसी समय वो रोगी ठीक होंगे, इसी समय चिन्ह और चमत्कारों की वर्षा यीशु मसीह के नाजरी के नाम पर हो रही, चंगाइयां इस समय यीशु नाजरी आपको दे रहे हैं, बराबर बराबर, कैंसर के रोगी इसी समय ठीक हो जाए यीशु के नाम पर, बराबर बराबर बराबर, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, वो शुद्ध करता हमें, सब लोग कहिए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए,
वो शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता, उस लहू में इस समय नहाते जाएंगे। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, वो शुद्ध करता हमें। गाएं, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, वो शुद्ध करता हमें। गाएं, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, वो शुद्ध करता। लहू लहू यीशु का लहू, 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 लहू लहू यीशु, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, गाएं, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, वो शुद्ध करता हमें। जोरदार ताली बजा के, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, वो शुद्ध करता हमें। लहू लहू यीशु का लहू, 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 यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, गाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, वो शुद्ध करता हमें, वो शुद्ध करता हमें। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, वो शुद्ध करता हमें। वो दाता लेकर साथ, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू प्रभु यीशु चंगाई दाता महान सामर्थी परमेश्वर, आपको स्पर्श करें, मसा करें, चंगाई प्रदान करें। आज आप इन वचनों को सुने हैं, उन्हें अंगीकार करें कि ईसा ही प्रभु है, जिसने अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, कुबड़ी स्त्री को उसने सीधा किया, सूखे हाथ वाले को हाथ दिया, रक्त स्राव पीड़ित स्त्री को उसने चंगा किया। वही परमेश्वर आपके हृदयों आत्माओं को अपने चिन्ह चमत्कारों के द्वारा शुद्ध करे, पवित्र करे।
यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे दुखों के कारण वो लदा हुआ था, हम उसे दंडित और ईश्वर का मारा हुआ समझते थे, उसे तिरस्कृत समझते थे, हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया। प्रभु यीशु हमारे कुकर्मों के कारण तू कुचल दिया गया, जो तू दंड भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिले, तेरे घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। इन बच्चों के घावों को, असाध्य रोगों को, फोड़े फुंसियों को, शरीर के इन्फेक्शंस को, गुप्त अंगों के रोगों को प्रभु चंगा कर दे। एड्स की बीमारी, टीबी, कैंसर की बीमारी, प्रभु तेरा वादा है कि तू वो प्रभु है जो हमें स्वस्थ करता है, हमें चंगाई प्रदान करता है। तेरा वचन कहता है मैं अपनी प्रजा की हड्डियों को पुनः चंगा करता हूँ। आज तेरी इन प्रजा के ऊपर जो दर्शना बिलासी है, अपनी महिमा प्रकट कर और चंगाई प्रदान कर। यदि तू हमें स्वस्थ करेगा तो हम स्वस्थ होंगे, यदि तू हमें चंगाई प्रदान करेगा तो हम चंगे होंगे, यदि तू हमें उन्नत करेगा तो हमारी उन्नति होगी, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। क्योंकि तू हमारे सभी अपराध क्षमा करता है, तू हमारी प्रार्थना को सुनता, इसीलिए लोग तेरे पास आते हैं। तूने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य प्रदान किया है और उनका उद्धार किया है। हे प्रभु यीशु, तूने कहा बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। आज एक शब्द कह दे और तेरे ये बच्चे जो रोगी हैं बिस्तरों पर, अस्पतालों में, आईसीयू में हैं, चंगे हो जाएंगे। प्रभु आपने कहा जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, और उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई। तेरा वचन कहता है लेवी का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 13 में, मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूँ जो तुम्हें मिश्र से निकाल लाया, जिससे तुम मिश्र दास, मिश्रियों के दास ना बने रहो, मैंने तुम्हारी दासता के बंधन तोड़े हैं। तेरा वचन कहता मैंने तुम्हारे जुए के सारे बंधन तोड़ दूंगा और उनके बंधनों को काट दूंगा, उसके बाद विदेशी उन्हें फिर अपना दास नहीं बना सकेंगे। गूंगे बहरे की आत्मा, तुझे आदेश देता हूं अभी और इसी वक्त, अपने इन प्रभु के इन बच्चों को छोड़ और उसके क्रूस के नीचे चलकर रखो। यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारी, अंधकार की शक्ति, कैंसर की बीमारी, टीबी के रोग, माइग्रेन के रोग, असाध्य रोग, हर प्रकार की असफलताएं, हर प्रकार की अश्लीलता, वासनाएं, बुरे विचार, तेरे पवित्र नाम से सामर्थ्य वचन के द्वारा निकले और क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं। बोले आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तू महान चिन्ह चमत्कार करता है, तेरे इन बच्चों के जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट कर। तू जिस जिस घर में गया, तूने उन्हें शांति, चंगाई, मुक्ति और अपराधों से क्षमा प्रदान की। आज हमारे घरों में, हृदयों में आने की कृपा कर, ताकि हम भी तेरी महिमा का अनुभव करें। हमारी प्रार्थना कबूल कर अपने पवित्र सामर्थी नाम से। आमीन। सिरों को झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद
आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। सर झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करते जाएंगे। आइए प्रभु को धन्यवाद दें सभी आशीषों के लिए। अंतिम गीत गाएंगे। दरिया बहता है, बहता जाएगा, और यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। क्या होगा? यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए। हाँ सब लोग एक और बार। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। बचना चाहते हैं? बचना चाहते हैं? वो यीशु जो मीठा पानी है, जो रोटी है, जीवन देती है, उसका वचन, उसे आज अपने साथ में लेके जाना, अपने हृदय और आत्मा में रखना। मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। जीवन जल है, बेकीमत है, जीवन जल है, बेकीमत है। प्यास रहे ना ऐसी नेमत है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत है। जीवन जल है, बेकीमत है, जीवन जल है, बेकीमत है। प्यास रहे ना ऐसी नेमत है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत है। जिंदगी सब दूर करेगा। जीवन में
जरूर भरेगा, जीवन में वो जरूर भरे। क्या करेगा, क्या करेगा? कड़वाहट सब दूर करेगा, जीवन में सुरूर भरेगा, अर्थात उत्सुकता भरेगा, उत्साह भरेगा। और जब वो उत्साह भर जाता है तो कोई नहीं रोक सकता है। कड़वाहट सब दूर करेगा, कड़वाहट सब दूर करेगा, जीवन में सरूर भरेगा, जीवन में सरूर भरेगा। जिंदा जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे और आज के वचन आपको शांति और चंगाई प्रदान करें। जितने लोग पहली बार YouTube चैनल पे आराधना देख रहे हैं, कृपया आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इसे जरूर साझा करें। प्रभु आपको आशीष दे और लोगों को चंगाई प्रदान करें।